बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर इस सोच ने कर दिया है आपको हैरान। नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार। डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ वीकेबी न्यूज पर। हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू वीकेबी माय डॉक्टर एंड आई एम मीनाक्षी योर होस्ट फॉर द शो। आज हम एक ऐसी सीरीज शुरू करने वाले हैं माय डॉक्टर में, जिस पर बात करनी बहुत ज़रूरी है और आजकल इस पर मिसकंसेप्शंस बहुत खड़े हो चुके हैं। हम बात कर रहे हैं न्यूट्रिशन डाइट की, न्यूट्रिशन डाइट किस तरह का होना चाहिए और खासकर आज का हमारा जो मुद्दा है, जो वुमेन स्पेशल एपिसोड है, दैट इज़ कि महिलाओं के लिए न्यूट्रिशन किस तरह का रोल प्ले करता है और किस तरह जो बैलेंस है वो बनाए रखना चाहिए, और महिलाएं आजकल जो इतना ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो चुकी हैं तो उन्हें अपने डाइट को किस तरह मेंटेन करना चाहिए, न्यूट्रिशन पर किस तरह ध्यान देना चाहिए, ये सारी बातों पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं नागपुर की जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट डाइट कंसल्टेंट डॉक्टर सोनल कोलते। डॉक्टर सोनल, बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सोनल, न्यूट्रिशन एग्जैक्टली इसे अगर डिफाइन करें तो क्या कहेंगे आप? न्यूट्रिशन ऐसा होना चाहिए या डाइट, बैलेंस डाइट जिसे हम बोलते हैं, जो आपको हर एक चीज़ आपके शरीर को जितनी ज़रूरत है उतने मात्रा में दे, उसे हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। ओके, सो आपकी थाली बहुत मैटर करती है। ईटिंग हैबिट्स जो होते हैं ये बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इसी से हम मेंटेन कर सकते हैं। ये किस तरह होने चाहिए, एक हेल्दी मील किस तरह दिखना चाहिए? हेल्दी मील कलरफुल होने चाहिए, यू नो ऑल कलर शुड बी इन योर प्लेट। फ्रूट से कलर आ रहे हैं, वेजिटेबल्स से आ रहे हैं, आप दालों से आ रहे हैं, दही दूध छाछ पनीर से सफ़ेद कलर आ रहा है, तो हर एक कलर, हर एक सीजन के अनुसार जब आपका डाइट बनता है तो उसे हेल्दी डाइट माना जाता है। अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, आपकी एक्टिविटी कितनी है, आप क्या एज में है, ये भी मैटर करता है आपका प्लेट में जो आने वाला है वो चीज़ों के लिए। सो कस्टमाइज प्लान के बारे में भी हम बात करते हैं, डेफिनेटली हर एक उम्र के हिसाब से चीज़ें बदलती। क्या जेंडर, एज ये सारी न्यूट्रिशन डिपेंड करती है, अफेक्ट करती है? यस डेफिनेटली। हम जो है साइंटिफिकली जो डाइटिशियन है, जितनी भी क्वालिफाइड डाइटिशियन है, वो एक रेकमेंडेड डाइट अलाउंस जो इंडियंस के लिए जैसे हु है वैसे डाइट के लिए प्लान किया गया है। सो इंडियंस के लिए फॉर द मेल्स फीमेल एवरी एज के लिए कितना कैलोरी होना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट फैट प्रोटीन या न्यूट्रिएंट होना चाहिए, वो लिस्ट में आपको सब मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली फिर हम उस तरह से चीज़ें हमारी जो है प्लान करते हैं। जी, महिलाएं आजकल बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाली ज़िंदगी हो गई है, वैसे तो पहले से ही चली आ रही, लेकिन साथ साथ काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फीमेल्स को कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन पे ध्यान देने की ज़रूरत है, ये हमेशा कहा जाता है। फीमेल के लिए न्यूट्रिशन कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि अगर फीमेल्स के बारे में बात करें तो मेरा खुद का ये ओपिनियन है कि वो पिलर है, द मेन पिलर जो रहता है घर का वो महिलाएं रहती है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है विद द डिसीज़, या अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज भी हो रही है, तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ घर में हो सकती है। इसीलिए जो महिलाओं का न्यूट्रिशन है या फीमेल न्यूट्रिशन के बारे में बहुत ज़्यादा बोला गया है, तो डेफिनेटली दे वॉन्ट अ स्पेसिफिक न्यूट्रिशन। आयरन ज़्यादा चाहिए, कैल्शियम ज़्यादा चाहिए, यू नो फॉर मेंटेनिंग इनर एंड आउटर बॉडी। जी, जो चेंजेस होते हैं न्यूट्रिशनल, क्योंकि महिलाओं की जो बॉडी है वो धीरे धीरे हार्मोनल चेंज में आती है, एक अलग दरिया होता है, लेकिन ये सारे जो न्यूट्रिशनल चेंज है वो किस तरह देखे जा सकते हैं? यस, फीमेल का जो एक लाइफ रहता है दैट इज रोलर कोस्टर जैसा है, यू नो पहले तो एक
बचपन का जो है वो मोस्टली कॉमन रहता है गर्ल्स एंड बॉयज के, बट जब मेंसेस आते हैं फर्स्ट टाइम एंड देन फ्रॉम देयर रिप्रोडक्शन का टाइम आता है, शादी होती है, प्रेगनेंसी, पोस्ट डिलीवरी, मिल्क प्रोडक्शन एंड देन अगेन 1-2 डिलीवरीज, उसके बाद उनका मेनोपॉज, ये पूरा रिप्रोडक्टिव स्टेज ऑफ लाइफ जो है, और मेनोपॉज में भी बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ता है जो कि मेल्स को नहीं करना पड़ता है. एंड इवन द बॉडी फैट डिस्ट्रीब्यूशन जो है फीमेल्स का वो बहुत अलग होता है, यू नो. सो वी वॉन्ट डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट, कुछ न्यूट्रिएंट मोर देन फीमेल वी वॉन्ट. सो ये हर स्टेज ऑफ लाइफ न्यूट्रिशन इनका बदलता रहता है, कभी प्रोटीन ज़्यादा चाहिए, कभी कैल्शियम ज़्यादा, कभी आयरन. सो इट्स चेंज, यू नो. डॉक्टर सुनल, अगर हम लोग स्टेप बाय स्टेप अगर देखें, अगर टीन्स की हम बात करें, तो यहाँ न्यूट्रिशन किस तरह होना चाहिए और किन चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, एक स्टेप बाय स्टेप अगर हम देखें एज फैक्टर के साथ. यस, टीन्स में जब टीन से एडल्ट या एडोलेसेंस का जो दौर रहता है वहाँ पे ग्रोइंग एज रहता है, वहाँ पे मोस्टली जो हाइट लड़कियों की बढ़ती है, आजकल तो 11-12 इयर्स में ही मेंसेस आ जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप हर स्टेज में ज़रूरी है, लेकिन वहाँ पे जो चेंज होने वाला है, वहाँ पे जो हाइट या जो एक बॉडी स्ट्रक्चर बनने वाला है, कुछ पार्ट्स में फैट जैसे कि मेमोरी ग्लैंड्स डेवलप होने वाले हैं, पूरा एक जो फीमेल बॉडी का जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है, दैट इज़ द स्टेज. सो वहाँ पे बहुत ज़रूरी है आपको ध्यान देना, क्योंकि मेंस्ट्रुअल मेंसेस आना या मेंस्ट्रुअल पीरियड जो बोलते हैं वो आना, ये बहुत नेचुरल थिंग है, लेकिन हमारे बच्चों को उस टाइम पे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लाइक पेट दर्द होना, चक्कर आते हैं बहुत लोगों को, बहुत सारी चीज़ें. सो अगर माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज है वहाँ पे, तो पीएमएस जो हो रहा है, पेट दर्द जो हो रहा है, वो नहीं होगा. सिर्फ अच्छा खाना या बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज प्रॉपर तरीके से अगर वो करते हैं, तो ये चीज़ें जो वो फेस कर रहे हैं, और वो टाइम है जहाँ पे उनके स्टडीज़ भी बहुत मायने रखते हैं, वहाँ पे वो गड़बड़ हो जाता है क्योंकि हर महीने मेंसेस आने वाले हैं, तो डेफिनेटली वो टाइम बहुत मैटर करता है न्यूट्रिशन का. आगे यू नो हेयर ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है, एंड हॉर्मोन्स सबसे पीक पे इस दौरान रहते हैं, तो वो हैंडल होने चाहिए. सो पिंपल्स आना, डैंड्रफ होना, ये भी वेरी मच रिलेटेड यू नो टू पर्सनल हाइजीन, और आपका न्यूट्रिशन कैसा है इस पे बहुत सारी चीज़ें डिपेंड रहती है. तो टीनेजर्स, जितनी भी मम्मी लोग अभी देख रहे हैं और जिनके बच्चे अभी ये गर्ल्स जो है, डॉटर्स जो है, ये स्टेज में है, उन्होंने बिल्कुल ध्यान देना चाहिए उनके खाने की तरफ. बच्चे नहीं देते हैं ध्यान, सो क्योंकि उनको नहीं समझता है. सो पहले से आदत लगाइए कि एकदम से वो चीज़ें नहीं करनी चाहिए. ग्रोइंग एज में हम मोस्टली बोलते हैं कि सोयाबीन का जो सोया मिल्क है या सोया के जो प्रोडक्ट है, ड्यूरिंग द ग्रोइंग एज या मेंसेस जब आने वाले हैं, उस दौरान मत दीजिए. क्योंकि ग्रोथ जो है वहाँ पे अगर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है ड्यू टू द इस्ट्रोजिन, इट मिमिक्स लाइक इस्ट्रोजिन, तो इस्ट्रोजिन वैसे ही वो होने वाला है. तो मेंसेस आने के पहले वाला जो टाइम है, अगर हाइट का ग्रोथ प्रॉपर चाहिए, तो सोया का इंटेक ज़्यादा नहीं करना चाहिए. नॉर्मल इंटेक इज ठीक है, हफ्ते में 10 दिन में आप ले लो, दैट इज़ ओके. सो आगे थोड़ा और बढ़ते जाते हैं, देन अगर प्रेगनेंसी का बोलते हैं, तो वहाँ पे हर डॉक्टर आपको आयरन, कैल्शियम फर्स्ट डे ऑफ प्रेगनेंसी लिख देते हैं. बहुत लोगों को सूट भी नहीं होता, आयरन से कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, कैल्शियम से भी कॉन्स्टिपेशन होता है. तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अगर आप आपके खाने में उसको लेते हैं, तो आपको आयरन कैल्शियम लेने की ज़रूरत भी ना पड़े. पर हमारे देश में शायद अवेलेबिलिटी है, लेकिन लोग प्रॉपर तरीके से नहीं खाते हैं,
इस वजह से जो हमारा सरकार जो है, हमारी गवर्नमेंट ने ही वो कर दिया है कि सब ने ही वो चीज़ें आयरन कैल्शियम की टैबलेट लेनी चाहिए, ज़रूरत हो या ना हो. बट आयरन और कैल्शियम आपको खाने से भी अच्छी तरह से मिलता है, तो अगर वो प्रॉपर तरीके से आप लेते हैं, प्रोटीन की नीड प्रेगनेंसी में क्योंकि ग्रोथ हो रही है आपके अंदर, तो ड्यूरिंग या पोस्ट डिलीवरी जो है प्रोटीन आपको ज़्यादा लगेगा. सो बहुत सारी चीज़ें हैं, दूध, दही, छाछ, पनीर, बादाम, अखरोट, अंजीर, नट्स है हमारे और सीड्स है, तो सभी में प्रोटीन आपको मिलेगा. दालों में से प्रोटीन मिलता है और नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस अंडा है, चिकन है, इससे भी हमें प्रोटीन अच्छे से मिल जाता है. प्रेगनेंसी के बाद मिल्क प्रोडक्शन होता है एंड मिल्क इज़ अगेन हाई प्रोटीन, तो आपसे मिल्क बन रहा है तो डेफिनेटली उस टाइम पे आपको खाना बहुत मैटर करता है. लेकिन बहुत बार हलवा दिया जाता है, यू नो, विद द लॉट ऑफ घी. घी तो इतना खाते हैं डिलीवरी के बाद, बट इफ़ यू अवॉइड घी एंड शक्कर और गुड़ तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ने वाला है. यू जस्ट नीड टू पुट मोर प्रोटीन, दैट्स इट. मोर मीन्स बहुत ज़्यादा भी नहीं. उस चक्कर में बहुत ज़्यादा ओबेसिटी बढ़ जाती है कि पोस्ट प्रेगनेंसी ओबेसिटी बढ़ गई है और उस वजह से फिर डिप्रेशन आना चालू हो जाता है. सो फॉलिंग ऑफ हेयर पोस्ट डिलीवरी बोलते हैं, बच्चा हंस रहा है इसलिए हेयर फॉल हो रहा है, बट दैट इज़ बिकॉज आयरन और कैल्शियम और प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो रही है. सो ये खाना इतना ज़रूरी है कि आपका जो पूरा स्ट्रक्चर चेंज हो गया है पोस्ट डिलीवरी, बहुत वेट बढ़ गया या हेयर फॉल हो रहा है, तो ये रीगेन हो सकता है, रीगेन ऑफ हेयर है ना. दिस इज़ वेरी गुड थिंग. लोगों को लगता है कि एक बार बाल झड़ गए तो वापस नहीं आएंगे, लेकिन एट सम एज अप टू आई थिंक 30-40 तक आपको फीमेल्स के लिए, यू नो, दिस इज ब्लेसिंग कि मेल्स के अगर जाता है हेरिडिटरी है या वो मेल पैटर्न ऑफ हेयर्स है, लेकिन फीमेल्स के रीग्रो होते हो सकते हैं अगर प्रॉपर तरीके से उन्होंने सब चीजों को हैंडल किया तो. सो एंड देन द मेनोपॉज, सो अगेन हॉर्मोन्स आपके बंद होने वाले हैं जो ड्यूरिंग द फेज ऑफ मेंसेस आए थे, इस्ट्रोजिन, प्रोजेस्टेरॉन एंड ऑल, जो आपको एक लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है. थोड़ा सा वेट गेन का इशू होता है, लेकिन बहुत जो चेंज आता है कि हम अच्छे दिख रहे रहते हैं इस्ट्रोजिन की वजह से, तो मेनोपॉज में हमारा थोड़ा झुर्रिया आना, थोड़े से ग्रेइंग ऑफ हेयर्स, वो चीज़ें होती है, तो वो बदलाव जो है वो एक्सेप्ट करना हमारे लिए ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है. बट अगेन विद द प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइजेज आप 40, 50, 60, 70 तक भी बहुत खूबसूरत लग सकते हैं, क्योंकि ये एक ब्लेसिंग है हर एक फीमेल को, यू नो. सो और वो उनका हक है कि दे लुक गुड. सो हर एक, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया है डॉक्टर सोनल आपने, बिकॉज ये स्टेजेस जो हैं महिलाओं की जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट स्टेजेस हैं, और यहाँ पर जो चेंजेस देखे जाते हैं वो इतने ऐसे चेंजेस हैं जो कई महिलाएं एक्सेप्ट नहीं कर पाती. जैसे अगर हम बच्चों की बात करें, जब उनका मेंसेस का दौर आता है तो वो एक स्टेज होता है जहाँ आजकल तो काफ़ी अवेयरनेस है, काफ़ी एडुकेशन है, बच्चों को पहले से ही बता दिया जाता है, लेकिन स्टिल देयर इज़ अ सेक्शन कि वहाँ समझना मुश्किल है. यहाँ जो न्यूट्रिशन है यहाँ बहुत ज़रूरी है जैसा आपने कहा, लेकिन आजकल की जो बच्चे हैं इतने ज़्यादा फास्ट फूड पर डिपेंडेंट हो गए हैं, स्क्रूल गोइंग हैं, और जो टीनेजर्स हैं जो मेंसेस के दौर में आते हैं, स्टेज पर आते हैं, तो यहाँ पर ये जो चीज़ें, किस तरह का खाना एग्जैक्ट उन्हें खाना चाहिए ताकि ये चीज़ें उन्हें आगे तकलीफ ना दे. यस, ये बहुत बड़ा समस्या बोल सकते हैं, क्योंकि सब जो मदर्स रहती है बहुत वरीड रहती है, क्योंकि भले ही दे नो कि मेंसेस आने वाले हैं या वो बहुत ओवर एजुकेट हो गए हैं आजकल, बट उनको ये चीज़ पे कंट्रोल करना कि मैं क्या खाऊँ या क्या खा सकती हूँ, या मेरा एज है तो मैंने तो ये जस्ट फॉर अ फूड फैशन हम इसे बोलते हैं कि बर्गर है, पिज़्ज़ा अगर मैं खा रही हूँ तो आई एम अ, यू नो, अ मोस्ट कूल टाइप ऑफ गर्ल. सो ये थोड़ा सा बदलना पड़ेगा. कूल फैक्टर जो है फूड का, वो थोड़ा सा घर का खाना होना चाहिए, मम्मी के हाथ का होना चाहिए.
सो यहाँ ये खाना प्रॉपर नहीं होता है इसलिए, और स्लीपिंग हैबिट, एक्सरसाइज की हैबिट्स नहीं होती है, इस वजह से पिंपल्स आना, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिससे मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिससे मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं, और मेंसेस इरेगुलर हो जाते हैं या फिर ओवर फ्लो या अंडर फ्लो जो होता है उस वजह से बॉडी का जो एक प्रॉपर शेप होना चाहिए वो नहीं आता है. सो उस टाइम का जो फन रहता है कि हम बच्चे से फीमेल एक बन जाते हैं एडल्ट और बहुत सुंदर दिखने का जो दौर रहता है तो वो तो मिस कर जाते हैं ये चक्कर में, क्योंकि पिंपल्स आते हैं तो यू नो, और फॉलिंग ऑफ हेयर रहता है एंड द ब्लैक मार्क्स, एक्चुअली चेहरे का ग्लो जाता है और नेचुरल ग्रो और कॉस्मेटिक से आने वाला ग्लो जो है इसमें बहुत डिफरेंस रहता है. और वो दिन रहते हैं जब आप सबसे सुंदर दिखते हैं. तो एक्चुअली और ये एज में आजकल बच्चे जो हैं ये डाइट, एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने की कोशिश करते हैं, जहाँ उन्हें चीज़ें खाने की और मेंटेन करने की ज़रूरत है वहाँ ये कुछ मिसकंसेप्ट कर जाते हैं. यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डॉक्टर सुनील, कि ये जो स्टेज है, इस स्टेज के बाद जब एडल्शन शुरू होता है, यहाँ पर खाना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट ये जो डाइट है ये मिसकंसेप्शन बहुत है कि डाइट इज लाइक कि आपको बिल्कुल नहीं खाना है, आपको सारी चीज़ें अवॉइड करनी है. तो ये जो है ना, जो एग्जैक्ट खाना चाहिए वो नहीं खाते और जो नहीं खाना चाहिए वो खाते हैं, यहाँ पर ये क्लियर कीजिए कि एग्जैक्ट किस तरह का डाइट फॉलो करना चाहिए. डेफिनेटली जैसे कि वीकेंड्स आते हैं हमारे लाइफ में, सेम वैसे ही कीजिए. अगर आपको कुछ ऐसा खाना है जो आपके हेल्दी प्लान में नहीं आता है और आपको मेंटेन करना है एंड यू नो हेल्दी रहना है, फिट रहता है रहना है, फिटनेस फ्रीक है आप, कॉन्शियस है, तो वीक एंड इज़ आई थिंक एक मील अगर आप डिनर या लंच बाहर आपके फ्रेंड्स लोगों के साथ प्लान करते हो तो बिल्कुल कीजिए. बट बाकी के जो दिन हैं उसमें आप जितना हो सके हेल्दी खाइए. और हेल्दी खाना इज़ नॉट लाइक कि आप फल खा रहे हो सिर्फ, या वेजिटेबल सैलेड खा रहे हो, या आजकल वो पीनट बटर वो बोलते हैं, तो कि बस लोग सिर्फ उसको क्यों, हमको डब्बे का खाना है, हमको बहुत अच्छा खाना, हमारे कल्चर में बहुत अच्छा खाना है, हर स्टेट का अलग, इतनी सारी वैरायटी है, फ्रेश फूड हमको मिलता है, सो उसको खाइए तो आप बहुत अच्छा फील करोगे. फीलिंग गुड जो रहता है वो भी आपका खाने से आता है. अब खाना नहीं खाओगे तो यू डोंट, मीन्स यू फील डाउन कि चलो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, वही आप चॉकलेट खा रहे तो एकदम से आपको अच्छा लग रहा है. सो बहुत ज़्यादा कनेक्शन है फूड और मूड का, और मूड स्विंग्स महिलाओं के जैसे किसी को नहीं पता है. टोटली ऑन दिस एक्चुअली नाउ हियर कम्स द पोस्ट मैरिज पीरियड, जहाँ प्रेगनेंसी एक ऐसा दौर है जो बहुत ब्यूटीफुल स्टेज है. यहाँ पर पहले, क्योंकि बुजुर्ग जो हैं हमारे घर के हमेशा फोर्स करते हैं, आजकल तो तुम्हें बड़ी तकलीफें हो रही हैं, तुम तो हैंडल ही नहीं कर पा रहे हो, हम तो इतने टाइम से इतने बच्चे आ गए बट एक ही डिलीवरी हैंडल नहीं कर पाए. ये जो दौर स्टेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है. यहाँ पर आजकल देखा जा रहा है कि उतना स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है. जो महिलाएं हैं वो बहुत ज़्यादा वीकनेस फील करती हैं, जहाँ उन्हें खाना चाहिए वो खा नहीं पाती हैं, और फिर सारा मेडिकेशंस का जो है उसमें ये स्टेज निकालना पड़ता है. यहाँ पर किस तरह का फूड इम्पॉर्टेंट है और ये ज़रूरी है कि हमें खाना चाहिए, बिकॉज नौशिया फीलिंग बहुत लोगों को होती है तो पूरे 9 महीने वो ढंग से खा तक नहीं पाती, स्मेल अफेक्ट कर जाती है, तो ये स्टेज पर किस तरह ध्यान देना चाहिए? पहले थोड़ा एज अच्छा था डिलीवरी या प्रेगनेंसी का, नाउअडेज ओवर एज हो जाती है महिलाएं. और एक बैग रहती है जिसमें एग्स रहते हैं, वो एवरी मंथ वो शेड होते हैं, तो वो जो बैग एम्प्टी होती जाती है, तो वो एक किस्सा बड़ा आजकल बड़ा चर्चा में है. सो डेफिनेटली बट आप प्रेगनेंसी आप कंसीव कर रहे हैं तो एटलीस्ट 25 के बीच में, 20-26 में होनी चाहिए. 23 इज अ बेस्ट एज, हमको मेडिकल में जब मैं पढ़ती थी तब बताते थे कि 23 बेस्ट एज है.
न्यूट्रिशन का येस, वहाँ पे भी बहुत सारे मिथ रहते हैं. ऑब्वियसली उनको पैम्परिंग रहता है एक तरह का, उसको मराठी में बोलते हैं कि डोहाड़े लागले, इसको खाने के ये चीज़ की क्रैविंग हो रही है, वो दैट इज़ द पैम्परिंग. और अगेन एसिडिटी, मचलाहट जो पहले 3 महीने में होता है, उस टाइम पे दे वांट समथिंग टू ईट, वो जो चटपटा रहेगा वो उनको खाने की बहुत ज़्यादा इच्छा रहती है. बट वहाँ पे फिर वो कुछ भी खाती है और उनको प्रोवाइड भी किया जाता है कि इसको चाहिए. सो न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है. कोल्ड ड्रिंक्स है या बाहर की जो चीज़ें आप खा रहे हैं उससे अगेन आपको एसिडिटी होगी. सो अगर आप उस टाइम पे भी आपके खाने के टाइमिंग्स प्रॉपर रखें, जितना हो सके घर में बना हुआ हेल्दी फूड अगर आपके प्लेट में रखते हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं जाता. और एक चीज़ जैसे कि सीजर्स बहुत होते हैं आजकल, सीजेरियन सेक्शन, तो डॉक्टर्स को ब्लेम किया जाता है कि दे वांट मोर मनी इसलिए वो सीजेरियन सेक्शन करते हैं और उतनी नॉर्मल डिलीवरीज नहीं हो पाती. तो बहुत अच्छे ऑप्शन फूड में आपको यहाँ पे मिलते हैं जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन 8th 9th मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके आने चाहिए. वो अगर आपको लाने, तो कुछ ऐसे फूड प्रोडक्ट है जिसमें रिसर्च हुआ है वो आपके यूट्राइन जो ये है वो बढ़ाते हैं. सो ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस बढ़ाने के ऐसे कुछ फूड अगर आप 8th मंथ के एंडिंग से स्टार्ट करते हैं तो बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्शन आते हैं और चांसेस ऑफ नॉर्मल डिलीवरी बढ़ जाते हैं. अगर बाकी कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिर्फ एब्सेंस ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है, तो वो हम फूड से बढ़ा सकते हैं. सो हियर इज यू नो द बिग रोल ऑफ फूड, लाइक इट्स एक्ट एज अ मेडिसिन. सो पहले जब मेडिसिन नहीं थे तो शायद वो दाई अम्मा जो रहती थी वो शी माइट बी यूज ऑल दिस फूड. सो डेफिनेटली ये चीजें आपके डाइटिशियन को पूछिए, शी विल हेल्प यू आउट. एक्चुअली आफ्टर दिस कम्स द स्टेज ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग एंड नाउ कम्स अ प्रॉब्लम कि यहाँ पर भी मिल्क प्रोडक्शन में आजकल बहुत तकलीफ देखी जा रही. जैसे कहा कि लेट मैरिजेज हैं, लेट डिलीवरीज हैं, लेट कंसीव होना है, तो यहाँ पर भी क्या डाइट उस तरह का, क्योंकि आजकल मैंने बहुत नोटिस किया है एज पर बात जब होती है बाहर कि दूध पसंद नहीं किया जाता, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कि जिस तरह से सारे न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट हैं उस तरह से कैल्शियम, आयरन, ये सारी चीज़ें, तो किस तरह से ये चीज़ हेल्प कर सकती है मिल्क प्रोडक्शन में? मिल्क प्रोडक्शन में तो खाना खाना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप खाएंगे नहीं तो कोई भी चीज़ प्रोड्यूस कैसे कर पाएंगे. तो दूध, जैसे आजकल बोला जाता है कि दूध अच्छा नहीं है या यू नो मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेने चाहिए. सोर्सेस के वो तो हमारे हाथ में नहीं है कि किस सोर्स से आ रहा है, बट उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू हमेशा ही दूध की अच्छी रही है. क्योंकि 6 मंथ्स जो फर्स्ट 6 मंथ्स रहते हैं बेबीज के लिए, न्यूबॉर्न, तो वहाँ हम एडवाइस करते हैं सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध. सो अगर वहाँ पे बहुत सारे ऑर्गन्स डेवलप होते हैं, ब्रेन, हार्ट फुल्ली डेवलप होता है 6 महीने में, तो अगर वो सिर्फ माँ के दूध पे डेवलप हो रहा है और माँ का दूध और काऊ मिल्क अगर हमारे देश में सबसे ज़्यादा लिया जाता है, तो वो ऑलमोस्ट सेम न्यूट्रिशनल वैल्यू का रहता है, कुछ ऊपर नीचे रहता होगा. सो तो क्यों काऊ मिल्क खराब है? सो द सोर्सेस यानी कहाँ से आ रहा है, उसमें क्या मिला रहे हैं, कैसे बना रहे हैं, दैट वी डोंट नो. बट काऊ का मिल्क पहले भी अच्छा था और अभी भी अच्छा है. बाकी उसमें क्या क्या करके प्रोडक्शन कर रहे हैं वो तो हम उसके उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, बट अदरवाइज काऊ मिल्क इज गुड आई थिंक. आपने जैसे कहा कि आयरन इज एज इम्पॉर्टेंट और डॉक्टर्स भी यही प्रिस्क्राइब करते हैं, why iron is actually important for females? Yes, actually iron जो है वो mineral है और micro mineral है, means जिसकी जो लगता है हमारे body को is 0.01 milligram something, इतने कम मात्रा में हमें वो लगता है, but अगर उसकी deficiency होती है तो आप बहुत सारी समस्याओं को face करते हैं, जैसे कि hair fall, सबसे पहली चीज़ hair fall है, फिर आपकी प्रोडक्टिविटी जो है, काम करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है, आप चल नहीं सकते, आपको चक्कर आना चालू हो जाता है, हार्ट बीट्स बढ़ जाते हैं, तो देर आर एन नंबर ऑफ सिम्टम्स. सो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हमारे देश में सबसे ज़्यादा है, इतना खाने को है तो भी,
क्योंकि मेंसेस में बहुत सारे लोगों को फीमेल जो है उनको बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फ्लो होता है, इन्फेक्शंस है या बहुत सारे गायनिक रीजंस उसके लिए हो सकते हैं. अगेन हम वो चीज़ें नहीं खा पाते जिसमें आयन है. अगर खा रहे हैं तो हम एब्जॉर्ब नहीं कर पाते. ये बहुत सारी दिक्कतें हैं. तो फीमेल्स मोस्टली ड्यू टू द ब्लीडिंग या ब्लड लॉस उनको हो रहा है डायरेक्ट फॉर्म में. अगेन अगर डेंटल ब्लीडिंग है या पाइल्स किसी को हुआ है, हिमोराइडल ब्लीडिंग जिसको बोलते हैं, तो वहाँ भी किसी को ब्लीडिंग हो रहा होगा तो डेफिनेटली ही और शी विल लैंडेड अप इनटू द हीमोग्लोबिन डेफिशिएंसी. ओके, लो फैट डाइट्स एंड लो कार्ब डाइट्स, आर दीज सेफ फॉर वुमेन्स? Yeah, at certain point we can say, but carbohydrate is actually a main source of energy. तो अगर आप जो भी काम कर रहे हैं उसके लिए आपको अगर ज़रूरी है तो वो कार्बोहाइड्रेट है. इफ यू आर प्लानिंग फॉर लो कार्बोहाइड्रेट, उसको LCD बोला जाता है, लो कार्बोहाइड्रेट डाइट, तो आपको सेकेंड सोर्स ऑफ एनर्जी यानी फैट उस पर जाना पड़ता है, जिसे हम अगर नॉर्मल भाषा में जो आपको समझ में है उसको कीटो डाइट बोलते हैं लोग. बट अगेन कीटो डाइट उतने सस्टेनेबल रहते नहीं हैं. आप सबसे मेन जो प्रॉब्लम है महिलाओं का कि उनके पास टाइम नहीं रहता, दे आर यू नो घर संभाले या यू नो, और घर में शी इज़ द इनचार्ज ऑफ किचन एंड शी इज़ द ओनली वन हु इज़ वर्किंग इन द किचन. तो बच्चों के लिए अलग बनाना, हस्बैंड के लिए, इन लॉज के लिए अलग बनाना और खुद के लिए अलग बनाना, ये सबसे बड़ी दिक्कत रहती है. जो मैं हमेशा जब काम करती हूँ तो मुझे लोग बोलते हैं कि नहीं मैम अलग बनाना इज़ डिफ़िकल्ट. सो अगर आप कीटो या वेगन या कोई भी डाइट पर जा रहे हो तो वो सबसे बड़ी दिक्कत टाइम की आ जाती है, इसीलिए वो सस्टेनेबल नहीं हो पाता. अगेन रिस्ट्रिक्शन ऑफ फूड हो जाता है कि हमको ये नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, वो नहीं खाना है, तो फिर हम रिस्ट्रिक्टेड मोड में रहते हैं तो कितना साल वो करेंगे ना. सो डेफिनेटली इसलिए कोई भी फैट डाइट जो है वो ज़्यादा महीनों तक आप नहीं कर पाते हैं. अदरवाइज हर एक का खुद का अच्छा और बुरा जो भी कंसेप्ट है वो रहता है एंड कर सकते हैं बट कुछ इसके लिए. बट मैं हमेशा बैलेंस डाइट को ही बोलती हूँ कि इट्स अ गुड डाइट जिसमें आपको सब खाने को पीने को भी मिल जाता है एंड आप मेंटेन भी कर सकते हैं. वो एक बहुत अच्छा जरिया है कि हम काम भी कर रहे हैं, हम बैलेंस भी खा भी रहे हैं और सारी चीज़ों को अवॉइड करने की ज़रूरत भी नहीं है, विच इज़ वेरी गुड. यहाँ बात आती है मिथ्स की, क्योंकि हर एक कॉन्सेप्ट को लेकर बहुत सारे मिथ्स हैं और आज स्पेशली हम लोग अगर महिलाओं की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हर चीज़ पे ध्यान देना उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, एज यू सेड कि बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है. यहाँ ऐसे कई मिथ्स होंगे, आप तो इतने टाइम से इतने सारे लोगों से मिल रही हैं, किस तरह के मिथ्स हैं जो आज क्लियर करने बहुत ज़रूरी है अगर सिर्फ महिलाओं की बात की जाए और न्यूट्रिशन से रिलेटेड बात की जाए? यस, अभी आते आते किसी ने मुझे कॉल किया था कि मेंसेस में वाइट कलर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए. सो इट्स अ मिथ. ओके, सो आई ऑल्सो समटाइम्स दिस इज आई हर्ड फर्स्ट टाइम. अगेन बनाना खाने से अगर आप प्रेग्नेंट हो तो बच्चा स्लीप हो जाएगा, मीन्स एबॉर्ट हो जाएगा. दिस इज अगेन नॉट अ मिथ है, मिथ है, इसमें कोई ट्रुथ नहीं है. तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो बहुत मिथ, ये तो बहुत बड़े बड़े मिथ्स हो गए कि ये नहीं करना चाहिए नॉन. सो छोटे छोटे मिथ्स है जिसमें कॉन्ट्रावर्सीज बहुत सारे डाइटिशियंस को भी लेके हो जाती है. अगेन आप सबसे ज़्यादा आपके शरीर को जानते हो बचपन से लेके, यू नो कि ये खाने से मुझे ऐसा होता है या, तो आप Only you can judge yourself. तो आप जब भी किसी डाइटिशियन को अप्रोच करते हैं या खुद से आप डाइट करने की कोशिश करते हैं तो पहले आपके शरीर को पूछिए, है ना. शरीर में बहुत सारे आपके बॉडी पार्ट्स हैं जो आपको ये बता देंगे. आपका ब्रेन बताएगा, आपकी एक्टिविटी बताएगी, आपका चेहरा बताएगा. सो आस्क योर बॉडी फर्स्ट कुछ भी आप करें, क्योंकि डाइट करेंगे आपका शरीर बना ही खाने से है. तो जहाँ आपकी गड़बड़ खाने में होगी तो आपका शरीर बताएगा, कॉन्स्टिपेशन होगा या लूज मोशन होगा या यू नो वॉमिटिंग होगी या चेहरे पे वो ग्लो नहीं रहेगा, हेयर फॉल होगा. तो आप खुद वो जज कीजिए और जब भी आप स्पेशलाइज्ड सपोर्ट लेते हैं तो उनको भी बताइए कि मेरा शरीर ऐसा है.
सो उस तरह का खाना हमको चाहिए. राइट डॉक्टर सोनल, वैसे तो देखा जाए कि एवरी डे एवरी मिनट वी शुड सेलिब्रेट वुमेन्स डे, बट दिस मंथ इज एक्चुअली डेडिकेटेड टू अस, सो स्पेशली आप हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे? बहुत ज़रूरी है खुद का ख्याल रखना, क्योंकि आप अगर फिट रहेंगे, आप अगर खुश रहेंगे, तो आपके साथ पूरा आपका घर, आपके जितने देखने वाले हैं वो सब खुश रहेंगे. सो सबसे ज़्यादा हेल्थ जो है या फिटनेस जो है वो खुद में इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आप इन्वेस्ट करेगी उसका फ़ायदा आपके हर एक फैमिली मेंबर को होगा. सो जम के खुशियाँ मनाइए, एंजॉय कीजिए और खाइए, जम के खाइए बट ध्यान रखिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर सोनल, आपने इतनी इम्पोर्टेंट बातें कही एंड वुमेन्स के लिए. मैं बस यही कहूँगी कि हर कोई कहता है कि दिल का राज पेट से होकर गुजरता है, तो ये सच है, बट अगर आप पेट पे ही ध्यान नहीं देंगे और अपने खाने पे ही ध्यान नहीं देंगे तो कैसे चलेगा? एवरी डे इज़ योर डे. आप अगर अपने आप को फिट रखेंगे, फिट रहेगा तो हिट रहेगा, हमेशा सुना है, तो ये एक्चुअली होना भी चाहिए. अगर आप फिट रहेंगे तभी आप हिट रहेंगे और तभी आप चर्चा में भी रहेंगे. तो आप करिए जो आप करना चाहते हैं, लेकिन हर चीज़ को बैलेंस करके. आज बस इतना ही, फिर डॉक्टर सुनल से होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ. तब तक के लिए देखते रहिए BKB माई डॉक्टर. नमस्कार. बीमारियों से अगर आप है परेशान, क्या करें क्या ना करें अगर सोच ने कर दिया है आपको हैरान, नहीं मिल रहा अगर आपको कोई आराम, क्या मन में है ऐसे कई सवाल जो पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर से, तो हो जाइए तैयार. डायबिटीज, ओबेसिटी, हार्ट प्रॉब्लम्स और कैंसर जैसी जटिल बीमारियों पर आपका अपना शो माय डॉक्टर, सिर्फ VKB News पर.